जा रहा है। इतना सुंदर सा दिखता है यहाँ से जब भी यहाँ को आते हैं, तो हमेशा मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा ये वाला सीन, ये पीछे की पहाड़ी और ये सुंदर से हरे भरे खेत खलिहान, और जो कि पूरे धान से भरे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये मोटी मोटी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, पहला को प्रणाम, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, हम भी और बढ़िया हैं और स्वस्थ हैं। तो आज की शुरुआत हो रही है सुबह से, और आप सभी का स्वागत है मेरा एक नए ब्लॉग में। और आवाज़ तो मेरी ऐसी हो कि मोटी, क्योंकि सर्दी जुकाम हो रखा है और गला अभी भी अच्छे से ठीक नहीं हुआ है। और आज बहुत दिनों के बाद बारिश हो रही है हल्द्वानी में, बिल्कुल झमाझम बारिश हो रही है, अच्छा लग रहा है अभी, क्योंकि कल तक बहुत उमस हो रही थी, तो आज बहुत प्यारा सा मौसम बन रखा है। ये अच्छी सी झमाझम वाली बारिश लगी है जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रही है, पर बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा। कल तक काफ़ी उमस थी तो आज अच्छा लग रहा है बारिश में, इतना सुंदर सा मौसम बना हुआ है और उमस भी नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हो रही है यहाँ बारिश, और वैसे तो ये बुलबुल बुलबुल वाली हो रही है, दिख नहीं रही है, पर मौसम बहुत अच्छा हो गया है। ऊपर की साइड पूरी बादल लगे हुए हैं, कोहरा कोहरा जैसा आ रहा है, तो आज बहुत अच्छा मौसम है हल्द्वानी का। आपको भी दिखाते हैं हम हमारे वहाँ से कैसा लगता है, पर चारों तरफ मकान ही मकान हल्द्वानी। कभी तो ऐसा हो जाएगा दिल्ली से भी दूर, जहाँ गलियों में पैर रखने की जगह नहीं होगी, अभी तो फिर भी बहुत सारी जगह बीच बीच में खाली है, उस समय बाद ये सारी फुल हो जाएंगी, सारी एरिया कवर हो जाएगी, पूरे भी अच्छी लग जाएगी पार्टी वाली, पूरे हरियाली दिख रही है इसके पीछे, उस समय बाद यहाँ पर छाता लेके अभी बारिश में अच्छा लग रहा है, क्योंकि दो चार दिन जब से बारिश भी हुई तो बहुत ज़्यादा उमस उमस होने लगी थी, तो अभी इतना सुंदर लग रहा है, यहाँ घूमने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा काम वगैरह थोड़ा बहुत हो गया है, तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना ली जाए आज बारिश की। और ये है यहाँ का और ये खिले हैं वहाँ पर सुंदर से प्यारे प्यारे फूल लग रहे हैं। आज हम आ गए हैं अंदर को, तो थोड़ी बहुत काम मेरा रह गया है, उसको भी करते हैं, तो चलते हैं नीचे को। और यहाँ पर रखा है मैंने गेहूं का ड्रम, और अब चलते हैं यहाँ से सीधे नीचे को। ये ठीक है, प्यारी प्यारी सी, ए कहाँ भाग रही, आजा 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 आजा, ये गई गाड़ी के नीचे, खाना खाना खा के इसने खाना खा लिया इसमें। और एक यहाँ पे है मेरे ये वाले पौधे, और एक ये है, ये हो रहा मनी प्लांट, और भी कुछ नहीं, मनी प्लांट का पौधा वो ऊपर तक पहुंच गया है, यहाँ से सीधे यहाँ को आगे को ये बढ़ रहा है बस, तो पानी पानी है, अभी बारिश तेज हो गई है। Thank you.
फटके डुबके भट के टुक पीस के रख दिया है। ये हो गया मेरा भट तैयार, जो कि मैंने कल भिगा के रख दिया था। और आज मुझे सिलबट्टे पीसने का मन भी नहीं किया, तो मैंने मिक्सी में पीस रखा है। और इसमें मैंने रख दिया है ये तेल, इसमें रखा है मैंने जीरा। और अब मैं इसमें डाल देती हूँ जीरा, इसको मैं थोड़ा सा ब्राउन होने दूंगी। और डाल लिया मैंने एक मीडियम प्याज, जीरा और हींग तो मैंने डाल दिया था इसमें पहले, तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। इसमें मैं डाल देती हूँ हल्दी और थोड़ा सा लाल मिर्च और धनिया पाउडर, इसको भी मैं साथ में भून लेती हूँ। और ये मेरा प्याज हो गया है फ्राई। अब इसमें डाल दूंगी मैं जो मैंने बैटर पीस रखा था, इसको हम हल्के से मिला लेते हैं। तो इसको मेरा हल्का हल्का पकने लग गया है। और इसमें मेरे को जितना पानी चाहिए मैं और डालूंगी जी, इसको उबलने के लिए रख दूंगी। कम से कम मुझे आधा घंटा तो चाहिए चाहिए इसको पकाने के लिए। और नमक भी मैं इसमें बाद में डालूंगी। ये उबाल आ गया है इनमें। इनके लिए हमेशा कभी भी इसको बनाते हैं तो कढ़ाई बड़ी होनी चाहिए, और नहीं तो ये उबाल चले जाते हैं। ये बन गए हैं, इनको पकते पकते कम से कम 20 मिनट तो हो ही गया है। इसमें अब डालूंगी मैं नमक, ये तैयार हो गए मेरे भटके डुबके। और इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हरा धनिया, हो गया मेरा खाना रेडी। इसमें मैंने बना दिया है रोटियां, क्योंकि मैं थोड़ी रोटी और भात दोनों खाएंगे। और ये लगा दिए मैंने भटके डुबके, और ये हो गया मेरा खाना तैयार। मेरा खाना हो गया है रेडी, और हम खाते हैं और खिलाते हैं। ये ले जाती हूँ मैं, बाहर लगाती हूँ खाना सबके लिए, तो आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। यार खाना मैंने लगा दिया, साहब जी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है बताओ तो जरा। बढ़िया हो रहा है। हाँ, ये डाइनिंग टेबल है, ये टेबल में ये बैठते नहीं है, नीचे ही आती है, इनको अच्छा खाया जैसा नीचे ही लगता है ना। नींबू खाओगे? खाना हमने खा लिया है, ये इसमें लगी है कुरानी। और एक मेरा खाना खाने वाला बचा है, इसको रख देते हैं ढक के साइड। बिल्ली हमारी बिगड़ी हुई है, क्या खाएगी? भात खाती नहीं है, ये खाएगी रोटी। ये आ गई प्यारी सी बिगड़ी, ये भात नहीं खाती है, दूध और रोटी चाहिए इसको। अभी दूध दूध पी जाएगी, रोटी बचा जाएगी और सीधे फुर्र हो जाएगी यहाँ से साफ, है ना। इसके बच्चे हुए हैं, बच्चों को ये दूध ही दूध पी रही है, रोटी क्यों नहीं खा रही? ये इसको दूध ही दूध अच्छा लगता है ना, ये चावल खाती है, भात खाती है, ना ये दही खाती है, सिर्फ दूध पीती है। ये माऊ माऊ, ये आ गई अपनी बच्चों को लेके। ओए क्या कर रही हो रे, अरे क्या कर रही हो रे, अरे क्या कर रही हो रे। ये है, ये है इसका छोटा सा बच्चा,
ये मम्मी। एक उधर छुप गया, तो कहाँ छुप गया रे, यहाँ छुप गया इसके नीचे। ये दोस्तों, तो चाय पानी पी के शाम के बज गए हैं 5 और हम जाते हैं सीधे छत में, देखते हैं कैसा हो रहा है मौसम आज का। शाम का पर मौसम ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा है, और ठंडा ठंडा हो गया, अभी पंखे चलाने में भी ठंडा लग रहा है। एक दिन की बारिश से ठंडा हो जाता है, एक दिन की धूप से गर्मी से हालत खराब हो जाती है। कितना अच्छा लग रहा पीछे को। ये है यहाँ का सुंदर सा नज़ारा, ऊपर पहाड़ों में पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। अच्छा अच्छा लग रहा है अभी। और अभी तो पूरे चारों तरफ बादल ही बादल, फिर से बारिश हो सकती है। ये है नीचे वाली कॉलोनी, पहले हम इस नीचे वाली कॉलोनी में रहते थे किराए में, और वो जाने लगे हैं शायद घूमने के लिए। ये बच्चे जा रहे हैं वो वहाँ पे ट्यूशन के लिए। और ये है यहाँ का सुंदर सा करता है, इतने नज़दीक है ये पहाड़, इतने नज़दीक है नहीं, कौन मेरे से दूर दिख रहे हैं। तो मैं आ गई हूँ घूमने, और यहाँ इतना सुंदर लग रहा है पी, और यहाँ पर सोयाबीन पूरी सोयाबीन। यहाँ से इतना पास पास दिखाई दे रहा है, पीछे का नज़ारा इतना सुंदर सा दिखता है यहाँ से। जब भी यहाँ को आते हैं तो हमेशा मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा ये वाला सीन, ये पीछे की पहाड़ी और ये सुंदर से हरे भरे खेत खलिहान, और जो कि पूरे धान से भरे हुए हैं, बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। आ गई हूँ घूम फिर के घर को, अंधेरा होने लग गया है। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड।